सो हे गाइस, वेलकम आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज की। बट अरे नहीं, अरे कहां गया भाई? सामने ही, तो चलो फटाफट से चलते हैं विलेज के पास। अबे भाई सब म्यूजिक, तो चलो बनाते हैं एक नया वर्ल्ड। वर्ल्ड का नाम क्या रखा जाए? ज्यादा सोचना नहीं है, यही ठीक है, इंडिया। एंड यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया अपना नया वर्ल्ड। वैसे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम वेट करते हैं, देखते हैं भाई कौन सी लोकेशन पे हमें स्पॉन किया, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अभी हम आ चुके अपने वर्ल्ड के अंदर। एक सेकंड पहले हमने जो है थर्ड पर्सन ऑन किया हुआ था, तो उसको सेटिंग के अंदर जाके फर्स्ट पर्सन कर देते हैं। अभी ठीक है, सामने की साइड तो पानी है एंड यहाँ पे भाई पहाड़िया ही पहाड़िया है। सामने कोल भी पड़ा है, तो कोल की शायद हमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन भाई ऊपर चल के देखते कैसा सीन है। ओ भाई साहब, ऊपर देखो कितनी भयंकर, मतलब कितनी ऊंची ऊंची यहाँ पे पहाड़ियाँ बनी हुई है। मतलब भाई अभी हमको यहाँ पे पेड़ कहाँ मिलेगा वो देखना पड़ेगा सबसे पहले तो। एंड सामने की साइड जो है स्नो वाली बायोम भी है, ऊपर ही आ चुके हैं। एंड सामने की साइड फाइनली एक पेड़ देखने को मिल रहा है, तो वही से काटते हैं माइनक्राफ्ट की परंपरा के अनुसार, ताकि हम इसे लकड़ी एंड उसके औजार बना सके। काटने के बाद सबसे पहले तो क्राफ्टिंग टेबल बनाई, उसके बाद कुछ सामान बना लिया। अभी क्राफ्टिंग टेबल को हटा देते हैं एंड कुछ ढूंढने चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिल चुकी है शिप, मतलब भाई बेड का जुगाड़ अभी हमें सबसे पहले ही कर लेना है, क्योंकि भाई नाइट हो गई, ज़ॉम्बीज आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। सामने एक और शिप है, इसको भी फटाफट से किल किया। इसके बाद कुछ टाइम ढूंढने के बाद हमें यहाँ पे एक और शिप देखने को मिली, इसको भी फटाफट से किल किया। एंड सामने भाई का हुआ, तो यहाँ पे फटाफट से खाना भी इकट्ठा कर, खाने की खुशी में भाई अभी हम खत्म ही थे। यहाँ देखो कितना बड़ा गड्ढा है। वैसे ही जो अपना वर्ल्ड है भाई काफी डेंजर है, हमें बच बच के चलना पड़ेगा, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे हमें स्टोन देखने को मिला, तो भाई एक काम याद आ गया, हम स्टोन के टूल बनाते हैं फटाफट से। यहाँ से हमने माइनिंग की, इसके बाद हम यहाँ पे बना लेते हैं स्टोन के टूल्स जो हमने अच्छे खासे बना लिए। तो अभी हम चलते हैं, वैसे सामने की साइड हमें यहाँ पे कोल भी देखने को मिल रहा है, तो भाई चल के फटाफट से हम यहाँ पे कोल इकट्ठा करते हैं। तो भाई यहाँ से तो हमें काफी अच्छा खासा कोल देखने को मिल चुका, तो टोटल अपने पास 18 कोल्स हो चुके हैं। तो अभी हम चलेंगे भाई, एक काम करते हैं, अभी हम विलेज ही ढूंढते हैं सीधा चल के। सामने देखो भाई साहब जो स्नो बायोम में कितना अच्छा देखने को लग रहा है। एंड यहाँ नीचे की साइड गड्ढा है एंड इस साइड भी गड्ढा है, तो भाई सभी जगह यहाँ तो कुछ ऐसा ही सीन है, तो हमें यहाँ पे देख के ही चलना पड़ेगा। इसके बाद काफी टाइम ढूंढने के बाद भी भाई हमें अभी तक विलेज देखने को नहीं मिला, लेकिन भाई नाइट हो चुकी है एंड ज़ॉम्बीज आने वाले हो गए। तो उससे पहले हम बना लेते हैं फटाफट से बेड, बेड को लगाते हैं यहाँ पे ताकि हम सो सके। एक सेकेंड एक काम भी करता हूँ, फाइनेंस भी बना लेते हैं, ताकि भाई हम जब सुबह उठे तब हमें पका पकाया खाना देखने को मिल जाए। ऐसे ही मतलब हम यहाँ पे लगा देते हैं फाइनेंस एंड यहाँ डालते हैं हम ये, एंड यहाँ पे कोल लगा देते हैं, इससे भाई रोशनी भी हो चुकी है एंड अपना खाना भी पक के रेडी हो जाएगा। तो हम जाते हैं फटाफट से सोने। अभी हो चुकी है सुबह, तो हम अपना सामान उठा के चलते हैं विलेज की तलाश में। बीच में खाना देखने को मिला, उसको भी इकट्ठा किया। तो काफी ढूंढने के बाद फाइनली हमें विलेज देखने को मिल चुका भाई सामने ही, तो चलो फटाफट से चलते हैं विलेज के पास। अबे भाई सब गिर गए नीचे, भाई क्या हुआ ये? एक सेकंड यहाँ साइड में देखो भाई कितना बड़ा गड्ढा, अगर यहाँ जाते तो भाई विलेज देखते देखते हम खत्म। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो चलो फटाफट से चलते हैं विलेज में, चल के देखते हैं भाई क्या क्या देखने को मिलता है। तो एक हाउस है सबसे पहले, इसके अंदर देखते हैं भाई इसके अंदर क्या है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आगे चल के देखते हैं। सामने विलेजर है भाई, इससे पूछता है, ए चचा रहने का खाली जगह है? अबे इसकी तो चलहट, हम जाके खुद ही विलेज को लूटते हैं भाई। अगले हाउस में देखते हैं यहाँ क्या भाई, यहाँ भी कुछ नहीं है। चलो आगे चल के देखते हैं, कुछ तो मिलेगा भाई, चेस्ट तो मिलेगी। चेस्ट के अंदर देखते हैं भाई हमें क्या आइटम देखने को मिलता है फटाफट से। भाई यहाँ पे भी कुछ नहीं है, आगे चल के देखते हैं क्या सीन हो जाता है। इस वाले हाउस के अंदर देखते हैं, यहाँ चेस्ट है भाई, चेस्ट है। इस चेस्ट के अंदर देखते हैं भाई, यहाँ पे एमराल्ड है, 3-3 एमराल्ड एंड पोटैटो ब्रेड वगैरह। तो भाई सभी को उठा लिए, यहाँ पे भूख लगी है, तो हम ब्रेड खाते हैं भाई विलेजर की। ओके इसके बाद हम अभी चले गए बाकी के हाउसेज में। तो हमने यहाँ पे काफी हाउसेस देखे जहाँ हमें ज्यादा कुछ देखने को मिला नहीं है, तो यहाँ पे भी देखो कुछ भी नहीं है। तो आगे चल के देखते हैं आगे कुछ हमें देखने को मिले। एक सेकंड भाई, वहाँ पे सामने की साइड पोर्टल एंड पोर्टल के पास होती है चेस्ट, जहाँ काफी अच्छी लूट देखने को मिलती है, तो वहां भी हम चलेंगे फटाफट से। उससे पहले हम यहाँ पे बाकी के हाउसेस में देखते हैं, यहाँ पे रेन होने लगी थी, नाइट भी हो चुकी थी, तभी यहाँ पे ज़ॉम्बीज आने लगे। तो भाई हम चलते हैं फटाफट से हाउस के अंदर जाके सो जाते हैं, ताकि भाई यहाँ पे मॉर्निंग हो सके। यहाँ पे छोटू ज़ॉम्बीज है, लेकिन हम एक काम करते प्लैंक लगाते
जाते, यहाँ तो लग नहीं रहा, तो यहाँ पे लगा देता है प्लैंक को एंड हम जाते हैं सो, ताकि भाई डे हो सके, ताकि हम भी अपना काम कर सके। वैसे छोटू विलेज है तो भाई निकल के भाग ही गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है, अभी हम इसको हटाते हैं एंड चलते हैं बाहर। हमने काफी हाउस देखे, वहां तो कुछ खास देखने को मिला ही नहीं, लेकिन हम यहाँ पे देखने को मिल चुका था भाई खाने का आइटम मिला है, इसको तो हम उठा लेते हैं फटाफट से। इसके बाद भाई ये विलेज क्या देख रहा है भाई, ऐसे क्या देख रहा है तू? अच्छा गाजर देख रहा है, तो भाई एक काम करते हैं, गाजर तो हम ले लेते हैं, अभी तू क्या देखेगा भाई, देख पलट गया। भाई यहाँ पे तो विलेजर ने काफी बढ़िया खेत बना रखे है, तो यहाँ से हम गाजर वगैरह उठा लेते हैं खाने के लिए, ताकि अपने पास कमी नहीं हो स्टार्टिंग के अंदर। वैसे विलेजर क्या ही काम के भाई, वापस से उगा देंगे। हम चलते हैं ऊपर वाले पोर्टल के पास, वहां देखते हैं चेस्ट के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। ये जो पोर्टल है कुछ ऐसा, इसको बाद में हम कम्प्लीट करेंगे, अभी तो चेस्ट के अंदर देखते हैं क्या देखने को मिलता है। भाई यहाँ पे गोल्डन सॉर्ड है एंड गोल्डन शवल है, इसके अलावा गोल्डन शूज है दो दो, इसके अलावा गोल्डन एप्पल भी है, तो भाई काफी अच्छी खासी हमें यहाँ पे लूट देखने को मिल चुकी है। तो इन सभी सामान को उठाते हैं एंड चलते हैं ऊपर की साइड, हम पोर्टल के ऊपर वाली साइड आ चुके हैं, नीचे की साइड ब्लेज है देन ऊपर पोर्टल है एंड उसके ऊपर आ चुके हैं। यहीं पे हम आसपास देखते हैं कोई सही सी जगह पे हम हाउस बनाने की, तो देखो ये वाली लोकेशन फ्लैट सी है, इसको सही करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो वो सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम काफी बढ़िया सा हाउस भी बनाने वाले। अभी तो हमने यहाँ पे अपना सामान जमा दिया, बेड वगैरह जो भी है चेस्ट के अंदर, बाकी का अपना सामान भी ढाल देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम अपने लिए काफी अच्छा सा हाउस बनाने वाले, इसके अलावा माइनिंग पे जाएंगे, काफी कुछ करने वाले, तो काफी ज्यादा मजा भी आने वाला। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन का ऑप्शन बन गया तो भाई उसे भी दबा लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिल सके। ओके बाय।